गया था, पहले लेफ्ट रोड था, ये शाहनवाज साहब की कोशिश से भी ये हुआ, तो ये फ्रेश कटिंग हुई है 3 किलोमीटर में। अच्छा, अब मोड़ा बिछाई वालों को अगर जो उनको जाना है तो उनके लिए पैसे रखते हैं सर? अपग्रेडेशन है ना, इसीलिए सर लैंड कंपनसेशन का लोगों को बोला था एट द टाइम आप जब मशीनें लगी, ये वही हुआ ना जो आप बता रहे थे कि दिस वाज टर्म्ड एज अपग्रेडेशन, बट उसके चुंगे में इन्होंने अब नहीं रहा था तो नई रोड बना दी। अगर ये करनी है ये आईले की मानू की सारी ये बहुत चलते हैं सुन कोड के लोग आपको जमीन खरीद रही है महमूद साहब वो इधर सरफेस रहेंगी यहाँ से रजाड़ा तक है। ये लगभग 4 किलोमीटर यहाँ से रजाड़ा। सो द पॉइंट वेयर यू वांट 1 किलोमीटर सर, ये इसके रिजार्ट मानना टू ये सर। मैं स्कंदन उरानी, सरपंच हाड़ी लेफ्ट, आज डिप्टी कमिश्नर पुंछ का हमारे मेरी पंचायत हाड़ी लोअर लेफ्ट में और हाड़ी अपर मोड़ा बिछाई रजाड़ा डोडी तक जो है ये मोड़ा बिछाई का लठोंग का ये इलाके जो हमारे बहुत दूर दराज इलाके थे इनमें आज डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने दौरा किया। उनके हमरा डीडीसी मेंबर सोनकोटे शाहनवाज चौधरी जी भी थे और पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन सोनकोट भी थी और इसमें जो है पीआरआईज ने भी अपनी अपनी पंचायत की जितनी परेशानियां थी वो बताई और डीडीसी मेंबर सोनकोट ने डिटेल में जितनी भी दिक्कत में पीआईसी हाड़ी मरोड़ का दौरा किया गया। वहां पे अद्वियात जो कम मिलती है लोगों को वो भी जो है डायरेक्शन दी गई है बीएमओ सोनकोट को कि वहां पे दवाई जो है वो टाइम टू टाइम वहां पर अवेल की जाए लोगों को। इसके अलावा जो अपग्रेडेशन ऑफ पीआईसी थी उसमें मैंने भी ये मुतालबा किया है कि मेरी पीआईसी जो है ये मेरी पंचायत में है और इसमें जो है अपग्रेड किया जाए इसको। और इसके साथ साथ में और ज्यादा परेशानियां भी थी जैसे ईदगाह ब्रिज जो हमारा भी काफी लेट हो रहा है जिसके कारण वहां पे हमें परेशानी होती है हमारे लोगों को 10-12 पंचायतों को। एक तो वो सड़क के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाएगा पीएमजीएसवाई और नबार्ड की जो सड़कें हैं तो इस मतलब भी हमने कहा कि जल्द से जल्द जो है ये ब्रिज बनाया जाए। इसके अलावा हमारा रिसीविंग सेंटर जो बिजली का है मोड़ा बिछाई में बन रहा है उसकी भी हमने मांग की कि जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल किया जाए और डीटीसी शाहनवाज चौधरी ने डिटेल में सारे जितने भी प्रोजेक्ट खामोशी में है इस वक्त उनको जो है जल्द स्टार्ट करने और इस पर जल्द से जल्द काम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर पुंछ से मुतालबा किया और डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने एडमिनिस्ट्रेशन खास तौर पर कंसर्न जितने भी डिपार्टमेंट है उनसे कहा गया कि जल्द से जल्द ये टेक अप किए जाए और ये काम फाइनलाइज किए जाए विद इन वीक और पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इन कामों को मुकम्मल करने की यकीन दानी करवाई है। इस मौका पर तमाम सरपंचीज हजरात ने और डीडीसी मेंबर सुरनकोट ने जो है डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। ऑनगोइंग कामों की प्रोग्रेस चेक करने के लिए और लोगों की क्या इश्यूज हैं, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं वो देखने के लिए आज डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन साहब ने, मैंने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने आज बहुत एक्सटेंसिव टूर जो है वो किया है जिसमें लठोंग से लेके मोड़ा बिछाई होते हुए हम हाड़ी डोडी तक जो है रजाड़ा तक हम गए और हायर सेकेंडरी स्कूल लठोंग जो है उसमें विजिट किया है जिसमें वहां के रास्ते की जो रोड का इश्यू है वहां पे जो स्टाफ का और बिल्डिंग का इश्यू है वो सारा स्टेटस चेक किया और डायरेक्शंस दी डिपार्टमेंट्स को क्या करना है और उसके अलावा हायर सेकेंडरी स्कूल लठोंग में क्योंकि पानी की फैसिलिटी भी मैंने अभी दी थी हैंडपम्प उसको भी हमने चेक किया। उसके अलावा फिर जो मंडी फागरा जो रोड है पीएमजीएसवाई के अंडर क्योंकि वो हमारे इलाके से होके जाती है तो उसका ऑनगोइंग वर्क जो है प्रोग्रेस चेक किया और ऑन स्पॉट वहां के डिपार्टमेंट को और कंट्रेक्टर को जो है वो डायरेक्शंस दी कि इसको जल्दी से जल्दी स्पीडी वर्क किया जाए और वहां जो कंपनसेशन के इश्यूज थे लोगों के स्ट्रक्चर के कंपनसेशन के इश्यूज थे उनको जो है डिस्कस किया। उसके अलावा जो है हम हाड़ी में जो जेजेएम स्कीम है
उसका काम क्योंकि बहुत डिले हुआ था, शुरू नहीं हुआ, तो आंसपार जो है वो वहां डायरेक्शंस दी गई डिपार्टमेंट को, डेडलाइन तय की कि इस अरसे के अंदर जो है ये काम होना है। उसके अलावा वहां लोगों के जगह जगह आड़ी में जो है लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, उनको डिस्कस करके वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। और फिर क्योंकि हमने जो ईदगाह रजाड़ा जो रोड है नबार्ड की, उसकी ऑनगोइंग वर्क जो है उसकी इंस्पेक्शन की, और जो टिंडार नाला से रजाड़ा, क्योंकि वहां रोड मुकम्मल नहीं हुई थी तो नबार्ड की रोड जो है वहां खत्म हो गई थी। उसके अलावा आगे क्योंकि एक किलोमीटर के लिए सीएसआर के अंडर डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है और हमने आज वहां काम शुरू करवाया और ताकि रजाड़ा तक रोड पहुंचे, डोडी रजाड़ा रोड की डिस्कशन हुई, फिर पीएचसी मरहोट जो है उसमें विजिट किया हॉस्पिटल में शाम को इंस्पेक्शन के लिए, वहां मेडिसिन का क्या स्टेटस है, लैब्स में टेस्ट के क्या स्टेटस है, और उसके अलावा हॉस्पिटल की क्या कंडीशन है, वो सारी चीजें जो है वो आज चेक की और डिपार्टमेंट्स को भी ऑन स्पॉट डायरेक्शंस दी। तो ये एक मुझे उम्मीद है, इसके अलावा भी कई ऑनगोइंग वर्क जो है वो हमने रास्ते में लोगों ने रास्ते में जब इंटरेक्शन की डिप्टी कमिश्नर साहब से, तो उन्होंने कहा कि सोशल वेलफेयर की जो है बहुत जो पेंशन है वो पेंडिंग है, बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं मिली है और लोगों को पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि लोगों ने अलग अलग जो है वो खिदमत सेंटर से या जाके कंप्यूटर शॉप से अप्लाई किया है, तो वो डिपार्टमेंट का जो स्टेटस उन्हीं लोगों के पास पता है, आम आदमी को पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए ये डिसाइड हुआ, ऑन स्पॉट डी साहब ने ये कहा कि हमने कहा कि जो है सोशल वेलफेयर की तरफ से कैंप लगाया जाए इस एरिया में, ताकि उस कैंप में लोगों को स्टेटस पता चले कि हमने जो पेंशन के लिए अप्लाई किया है उसका स्टेटस क्या है, अगर कोई कमी है तो वो पूरी करें, नहीं है तो उसको अप्रूव किया जाए। तो उसके लिए डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है वो वहां कैंप जो है एक ऑर्गेनाइज करवाने को डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी है कि आप वहां कैंप ऑर्गेनाइज करें। मुझे उम्मीद है उस कैंप के बाद जो है काफी सारे इश्यू सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो मैं डिप्टी कमिश्नर पोंट यासीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि एक इतना एक्सटेंसिव जो है फार फ्लांग एरिया में रजाड़ा तक जो है वो पैदल चल के भी जो है हमने टूर किया। मुझे उम्मीद है कि इस आज के टूर से काफी सारे कामों की प्रोग्रेस बढ़ेगी और जो नए काम शुरुआत करने थे उनको भी प्लानिंग में डाला जाएगा।